शुक्रवार को हरियाणा में चुनाव प्रचार के खत्म होने के साथ ही इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के चुनाव प्रचार की अदम्य इच्छा का भी दमन हो चुका है। चौटाला ने काफी प्रयास किया कि वह कुछ दिन हरियाणा के लोगों के बीच रहकर चुनाव प्रचार कर सके, किंतु निहित राजनीतिक स्वार्थ के चलते वयोवृद्ध नेता ओम प्रकाश चौटाला मन महसूस कर रह गए। यह नीति का ही खेल है कि जिस ओम प्रकाश चौटाला के एक इशारे पर हर असंभव दिखने वाली चीज को उनका परिवार निछावर करने के प्रयास में रहता था, आज वे इस कदर मजबूर है कि घर की लड़ाई में कानूनी अधिकार से भी उन्हें महरूम कर दिया गया, उन्हें जेल से बाहर नहीं आने दिया गया। याद रहे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के सरकार के पाले में गेंद डालते हुए पैरोल के लिए रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन केजरीवाल सरकार ने साफ लफ्जों में ओम प्रकाश चौटाला को पैरोल ना देने की मंशा जाहिर कर हैरान कर दिया था। उस स्थिति में जब इनेलो सुप्रीमो के पुत्र अजय सिंह व पुत्र दुष्यंत की जननायक जनता पार्टी का गठबंधन केजरीवाल से था, ऐसे में केजरीवाल सरकार ओम प्रकाश चौटाला की पैरोल का विरोध करे तो जाहिर है कि बात समझ में आती है कि जिसमें बाप बेटे के रिश्ते भी बेगाने हो जाते हैं। अब भले ही पैरोल मंजूर हो जाए, लेकिन इनेलो सुप्रीमो इस चोट को शायद ही भूल पाए जो उन्हें परिवार के विघटन के चलते भोगनी पड़ रही है। सिटी तहलका ब्यूरो रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ देन प्रेस बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।